गुड मॉर्निंग। अभी मैं दिन के 11 बजे आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि ऑफिस छुट्टी है। तो आप कुछ बोलोगे? चल चुके हम लोग, रास्ते में हैं और पता नहीं किधर जा रहे हैं, बस चलाते जा रहे हैं। जहाँ मन करे उधर से वापस आ जाएंगे। तो ये हम है कौन से रास्ते पे? ये हिबाल अच्छा हो रहा है ना, पूरा धूप खिला हुआ है। पता नहीं कब चेंज हो जाएगा, कभी बारिश कभी धूप। जब भी मैं गाड़ी धोता हूँ नेक्स्ट डे बारिश होता है, कीचड़ हो जाता है, और फिर मैं गाड़ी धोना बंद कर देता हूँ तो भाई पूरा धूप रहता है। फिर गाड़ी धोता हूँ तो फिर बारिश होता है, फिर कीचड़ हो जाता है, मेरा गाड़ी हमेशा गंदा होके रहता है। चलो कोई नहीं, घूम फिर लेंगे फिर। तो गाइज ये आप देख सकते हो कितना अच्छा है, ग्रीनरी। ऐसे अपने ओडिशा पे भी राउरकेला में ऐसे ही रहता है पूरा। पूरे सेक्टर के जैसे फील आ रहा है इधर। ऐसे अपने ओडिशा में भी अपने घर के पास ऐसे ही रहता था पूरा कॉलोनी। बहुत अच्छा फील होता है ये देखने। सही है ना? कौन सा आइडिया है पता नहीं है, नहीं पता चल रहा है, बट बहुत अच्छा है, देख सकते हो। कितना बढ़िया मस्त राइडिंग जैसा है। देखो हाँ दिखाया मैं, मस्त स्टेडियम जैसा है ना। स्टेडियम ही है, कुछ फील्ड जैसा है जो कि खेलने के लिए है। तो हम लोग टोल क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये आइकिया के पास ही है। जस्ट आइकिया क्रॉस करके नागचंद्रा मेट्रो स्टेशन क्रॉस करके आगे जा रहे हैं हम लोग। और ये हमारा सबसे पहला वाला टोल क्रॉस था नया गाड़ी में, नया गाड़ी का। अभी तक हम लोगों ने कुछ टोल वाले जर्नी किए नहीं थे, पहली बार है। अभी हम लोग गाड़ी क्रूज कंट्रोल में डाल के रखे हैं और अभी गाड़ी क्रूज में चल रहा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, देखते हैं अभी क्रूज में माइलेज कितना आता है गाड़ी में। तो गाइज अभी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और ये ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है नॉर्मल। और अभी जाएंगे वापस, भूख भी लग रहा है और 12:31 हो चुका है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं वापस, खाना वाना भी खाना है घर जाके। और ये रहा हमारा गाड़ी और मैडम उसके अंदर बैठी है। गाइस अभी छोटा सा हादसा हुआ है, तो अभी गाड़ी का टायर जो है आगे वाला पंचर हो गया, एक छोटा सा कील गया था, उसको पंचर रिपेयर किया। भूख लग रहा था, घर पहुंचते हो जाएगा 3:30, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खाते हैं। और बाय लक एक फाइव स्टार शॉप मिल गया, तो वहाँ से हम लोग कुछ ले लिए, पॉपकॉर्न और बर्गर। तो अभी रास्ते में खाते चल रहे हैं। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है रेडी, ये रहा, तो फटाफट लंच कर लेते हैं, शाम को होगी पार्टी। तो गाइस अभी हम लोग घूम के आ चुके हैं, 4 बज गया था और रॉकी का खाना भी नहीं हुआ था, और रॉकी को इसलिए खाना खिला के फटाफट बाहर लेके आया। तो रॉकी का ना कुछ दिनों से थोड़ा सा घाव निकल रहा है, रोज़ चिकन खा रहा है ना, तो इसलिए गर्मी से घाव निकल रहा है। तो अभी उसका चिकन बंद, ओनली कट राइस खा रहा है, ताकि उसका जो बॉडी है ना हीट होने से कम हो जाए। रॉकी फुल एक्साइटेड मूड में है, ये देखिए किसको देख रहा है रॉकी, इधर देख ले किसको देख रहा है। ओ रॉकी के कुछ हाल ऐसे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो बैंगलोर पे ऑलरेडी वेकेशन मूड स्टार्ट हो चुका है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन वगैरह सारा स्टार्ट हो चुका है। कितनी भीड़ लगी है देखो, तो
गाइज ये देखिए रेस्टोरेंट में कितना भीड़ है और कितने सारा चिकन कटा होके टंगा हुआ है। और ये मेरे घर के पास एक वाइन शॉप है, उसमें देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है जैसे लग रहा है कि फ्री में बांट रहे हैं और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन में सब लोग एक्साइटेड है। तो गाइज दोपहर में खाना खा के ऐसा खतरनाक नींद में हम लोग सोए थे ना, तो ऐसा लग रहा था बॉडी में और जान नहीं है। फिर दो घंटा सो के उठे, फिर हम लोग खाना रात का अरेंज कर लिए और थोड़ा सा पार्टी होगा, केक ऑर्डर कर लिए। मधु और कुछ बताना चाहोगे? आज लास्ट डे मिल रहा है, आज तो लास्ट डे है 2022 और 2022 हमारा बहुत अच्छा तो नहीं था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, थोड़ा अच्छा भी था। मतलब 2022 हमारे लिए चैलेंजिंग था, पर वो चैलेंज को हम लोगों ने क्लियर करके आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ी देर के बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाइस ये देखिए, ये ट्री, दो ट्री है हमारे पास, तो कुछ ऐसा है। तो अभी देखिए कितना हमारा छोटा सा डेकोरेशन एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए। केक भी आया है तो जल्दी केक भी काटेंगे, पहले थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं फिर केक काटते हैं, रॉकी को भी खिलाते हैं, फिर हम लोग सोते हैं। तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं वॉकिंग के लिए और यहाँ पे आए हैं। कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, शेरवुड गैलरिया है, तो हम लोग इधर अभी बैठे हैं थोड़ी देर, उसके बाद घर जाएंगे, केक वेक काटेंगे, जब 12 बज जाएगी। तो मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और 2022 आज लास्ट ब्लॉग है हमारा, कल अपलोड कर लूँगा कैसे भी करके एडिट करके। आपको कुछ बोलना है? नहीं, बस कुछ नहीं बोलना है इसको। चलो ठीक है, ओके। हमारे केक हो चुके हैं रेडी, टाइम हो चुका है और एक मिनट बचा है 12 बजने के लिए, फिर 2022 ख़त्म हो जाएगी, 2023 स्टार्ट होगी। तो जल्दी से अभी केक कटिंग करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हो चुकी है एग्जैक्ट 12 बज चुका है, अभी सेलिब्रेशन करने स्टार्ट हो रहा है। 2023 वेलकम, तो 2023 जल्दी से वेलकम करेंगे और अभी केक कटिंग करेंगे। मधु रेडी कर रही है कैंडल और गाना भी बजाना स्टार्ट कर दिया, अभी पटाखे भी बाहर फूटना स्टार्ट हो गई है। चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। चलो केक भी कटिंग हो चुकी है गाइस, लेट्स सेलिब्रेट 2023 वेलकम। देखो फिर से क्यों आग लग गई, अब मेरा फूंक का वेट कर रहा है ये अभी। फोटो उठे ला, हैप्पी न्यू ईयर।